Hello friends hope all of you are doing well in today's session we are going to discuss a very important event in english literature that is the norman conquest of 1066 now this particular event changed the history of the english literature in so many different ways and we also know that uh, 1066 is exactly the same period from where the Middle English period has started. And I have discussed this in details in the history of English literature video. So if you have not watched that session, do consider to watch that video because you will get some informative inputs there regarding the English literature, which is also very important from your MHE1 British poetry perspective. Okay, so today's session will be just a break breakdown of the Norman conquest of 1066 and how William The conqueror got the privilege of ruling Britain. Okay. अब इससे पहले कि हम लोग नॉर्मल कॉन्कुअस्ट थाउजेंड सिक्सटी सिक्स के बारे में डिस्कस करें ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम लोग थोड़ा बहुत ब्रिटेन का या ब्रिटेनिया का बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जान लें ठीक है सो बात कुछ ऐसा है कि जैसे कि हम लोग का हिंदुस्तान था प्री इंडिपेंडेंस जैसे कि आवर कंट्री वॉज डिवाइडेड इन टू लॉर्ड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स और आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी लाइक ऑल द प्रिंसली स्टेट्स वे आर यूनाइटेड टुगेदर टू फॉर्म द अखंड भारत तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन था ब्रिटेनिया के साथ जो कि इंग्लैंड को बोला जाता था बैक एट दैट टाइम और बैक एट दैट टाइम हम लोग अगर हिस्ट्री में बहुत पीछे चाहें तो हम लोग देख सकते हैं कि Britannia was ruled by Romans, okay, and Britannia was actually as their province, as a Roman province. So, Roman Britain refers to the period in classical antiquity when large periods. लार्ज पार्ट्स ऑफ द आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेर अंडर द ऑक्युपेशन ऑफ रोमन एम्पायर अब ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा पीरियड था वो द ऑकुपेशन लास्टेड फ्रॉम फोर्टी थ्री ए डी टू फोर टेन ए डी हम लोग ये बोल सकते हैं कि मिड फिफ्थ सेंचुरी तक रोमन स्लो का दबदबा था ग्रेट ब्रिटेनिया में ठीक है और उन लोग के जाने के बाद बहुत ज़्यादा के ओस हो गया था और ये भी जानना है कि ड्यूरिंग दैट टाइम ए टेरेटरी कॉन्क्ट वॉज रेज टू द स्टेटस ऑफ रोमन प्रोविंस डेट मीन्स हम लोग जो ये बोल रहे हैं कि मतलब ये ब्रिटेनिया जो है ये रोमन्स के अंडर में था वो अराउंड रफली बोला जाए तो 500 सालों तक और उन लोग के जाने के बाद ऐसा हुआ कि वहाँ पे बहुत सारा कैस हो गया और वहाँ पे अटैक्स होना शुरू हो गया फ्रॉम द एंग्लो सेक्सन्स चलिए अब ये जानने के बाद कि ब्रिटेनिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन्स ओवर देयर लैंड अब जानते हैं नॉर्मल्स के बारे में तो नॉर्मल्स आखिर थे कौन और क्यों ये पीरियड जो है थाउजेंड सिक्सटी सिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहला पॉइंट तो ये है कि इट मार्क्स द एंड ऑफ द वाइकिंग एज इस टर्म से आप बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे आपने मूवीज में भी देखा होगा वाइकिंग्स दे आर लाइक रूटलेस वॉरियर जो यू नो लूट मचाते हैं एंड ऑल सो ये जो वाइकिंग्स है दे इन द फ्यूचर इवॉल्व टू द नॉर्मल्स ओके कैसे होता है वो तो मतलब एक सेपरेट uh, वीडियो में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं बट शॉर्टली मैं आपको समझा दे कि वाइकिंग्स जो हैं ये इन लोग का एक बहुत ज्यादा आदत एक बोल सकते हो एक आदत था कि ये लोग लूट मचाने के लिए काफी दूर दूर तक सेल करते थे ठीक है तो इन लोगों का एक आ, अटैक हुआ था फ़्रांस में जो कि अनसक्सेसफुल रहा लेकिन फ़्रांस के जो एम्पायर थे उन्होंने इन वाइकिंग्स से एक सौदा कर लिया कि उन लोग को वेस्ट फ्रांस का एक पोर्शन दे दिया जाएगा जिसको कहते हैं नॉर्मैंडी और उसके बदले ये जो वाइकिंग का ग्रुप है ये लोग क्या करेंगे ये लोग फ्यूचर में जो और ज़्यादा बाइकिंग्स के ग्रुप्स हैं उन, उनको डिफेंड करेंगे फ्रांस को डिफेंड करेंगे दूसरे बाइकिंग ग्रुप्स के साथ ठीक है तो अभी थाउजेंड सिक्सटी में वापस आ जाते हैं इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए सेंट्रलाइज फ्यूडल स्टेट इन इंग्लैंड अब ये हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद ठीक है 1066 सिक्सटी सिक्स क्यों इम्पोर्टेंट ये सब हुआ ये सेंट्रलाइज्ड फ्यूडल स्टेट कब बना जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट पूरा हो गया और इट ऑल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच हम लोग को पता है दोस्तों कि ये जो कॉलोनियल रूल है जो पूरा दुनिया में रहा फॉर अराउंड लाइक यू नो 700 हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड ईयर्स इसमें जो दो मेन कम्पिटिटर्स हैं वो है इंग्लिश एंड फ्रेंच और इन लोग का जो राइवलरी है बेसिकली इसका जो फाउंडेशन है ये इसी साल रखा गया थाउजेंड सिक्सटी सिक्स में और इन दो ग्रुप्स में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखा गया था अगले यू नो हज़ार सालों तक चलिए नॉर्मन्स में वापस आ जाते हैं तो नॉर्मन्स थे दे वर द डिसेंडेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ वाइकिंग रेडर्स एंड दे अटैक द फ्रेंकिश किंगडम एंड सेटल्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्नर फ्रांस जैसे कि मैंने बताया कि इन लोगों ने फ्रांस में अटैक किया था लेकिन एक्चुअली उन लोग को वो लोग जीत नहीं पाए थे बट लाइक जो एम्पर थे फ्रांस के उन्होंने एक डील कर लिया इन बाइकिंग के ग्रुप्स के साथ कि उन लोग को वहाँ पर एक जगह दे दिया जाएगा जिसको कहा गया था नॉर्मैंडी ठीक है और उनको नाम दिया गया नॉर्मन्स जो अभी हम लोग को ये पता है कि वाइकिंग्स ही एक्चुअली नॉमन्स है ठीक है तो वहाँ के जो चीफ हैं रोल्फ ओके द कैंजर उन लोग को बोला जाता था कैंजर और आप अगर याद नहीं रख सकते इस नाम को तो आपको ये नाम याद रखने में बहुत आसानी होगा रोलो द वॉकर ही बिकेम द फर्स्ट ड्यूक ऑफ नोमैंडी तो ये है थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द नॉमन्स कि उन लोगों ने कैसे सेटल किया फ्रांस में इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एंड दैट पार्ट वाज नोन एज नॉमेंडी और कैसे ये वाइकिंग्स का ग्रुप फ्यूचर में जाने गए नॉर्मन्स के नाम से और एक्चुअली नॉर्मन का मतलब है अब दोस्तों ये जो नॉर्मन्स थे जो बेसिकली नॉर्थमैन कहलाते थे वो बेसिकली तो वाइकिंग्स थे और वो लोग थे स्कैंडिनेवियंस ठीक है लेकिन अब उनका मतलब काफ़ी हद तक बदल चुका था सब कुछ क्योंकि वो लोग सेटल लो हो गए थे वेस्टर्न फ्रांस में बिकॉज ऑफ द कर्ट्रीसी ऑफ द एम्पायर ऑफ फ्रांस और उन लोग को वो जगह दे दिया गया था नॉर्मडी टू डिफेंड फ्रांस ठीक है लेकिन अब जो ये नॉर्मन्स थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे विद द फ्रेंच पीपल और उन्होंने बहुत सारा चीज़ अपने नॉर्मन कल्चर में अडॉप्ट भी करा था ठीक है और ये जो नॉमन्स थे द नॉर्दर्न बिगैन स्पीकिंग फ्रेंच एंड डेवलप्ड ए पावरफुल फ्यूडल स्टेट तो इन लोगों ने एक जो अपना सिस्टम था एक फ्यूडल कल्चर था अपना रूल करने का एंड इट वाज रूल्ड बाय द ड्यूक्स ऑफ नॉर्मैनडी ऑफिशियली वैसल्स ऑफ द किंग्स ऑफ फ्रांस इन रियलिटी मच मोर पावरफुल ना जैसे कि मैंने बोला है कि वाइकिंग्स एक वॉरियर क्लैन है तो उन लोगों ने नो no डाउट ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो लोग एम्पर ऑफ फ्रांस के अंडर ही रहेंगे लेकिन रियालिटी में पिक्चर कुछ अलग ही था वो लोग काफ़ी ज्यादा पावरफुल बनते गए विथ टाइम अब ये देखा गया था कि नॉर्मन नाइट्स अटैक्ट नॉट जस्ट इंग्लैंड बट सी सिली अंडर रॉबर्ट गिस्कार्ड अब ये जो नॉर्मन्स है दोस्तों जो बाइकिंग्स है जैसे कि मैंने बिगिनिंग में बताया था ये लोग काफी ज्यादा यू नो पिलेज या लूट मचाने के लिए फेमस थे टू सेल अराउंड द वर्ल्ड तो ये लोग नो डाउट काफी हद तक इन्फ्लुंस हो गए थे फ्रॉम द फ्रेंच कल्चर लेकिन ये आप लोग का रूट जो उन लोग का आदत है वो नहीं छोड़ पाए थे तो इस पर हम लोग किसी और वीडियो पे डिस्कस करेंगे चलिए आ जाते हैं कि कैसे ये नींव रखा गया अबाउट द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का होने का मेन रीजन था बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ एडवर्ड ऑफ इंग्लैंड ठीक है अभी किंग एडवर्ड जो थे वो ही इज एक्चुअली नोन एज द किंग एडवर्ड द कन्फेसर उनका देहांत हो गया थाउजेंड सिक्सटी सिक्स में और जब उनकी मृत्यु हुई तो ऐसा हुआ कि तीन दावेदार निकले इंग्लैंड के थ्रोन के लिए ठीक है और उसमें से सबसे की प्लेयर जो है वो है ड्यूक विलियम ऑफ नॉर्मेंडी न ड्यूक विलियम जो थे वो बेसिकली एलिजिटेमेट सन ऑफ द ओल्ड ड्यूक एंड ही फॉट इज वे टू द टॉप आफ्टर द डेथ ऑफ किंग एडवर्ड ऑफ इंग्लैंड विलियम ए डिस्टेंट रिलेटिव क्लेम द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड हम लोग को ये भी बात पता चलता है कि जो ड्यूक विलियम थे वो लो एक डिस्टेंट कजिन थे ठीक है किंग एडवर्ड के अभी यहाँ पे जो दूसरे कंटेंडर है उनका नाम है किंग हैरल्ड गॉडविनसन ऑफ इंग्लैंड अब ये जो किंग हैरल्ड है वो बेसिकली एंग्लो सैक्सन थे जैसे कि हम लोग को पता है कि मतलब रोमिस् के जाने के बाद एंग्लो सैक्सन ने ब्रिटेनिया में अपना राज बिठा लिया था लेकिन वो रॉयल फैमिली से कनेक्टेड नहीं थे लेकिन फिर भी वो एक अच्छे दावेदार थे और पब्लिक ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था एज ए किंग बिकॉज ही वॉज ए एंग्लो Now, after knowing the first two key players for the throne of England after the demise of King Edward the Confessor, let us see who was the third person who was claiming the throne. एंड द नेम ऑफ द पर्सन वॉज किंग हैरल्ड हैद्रादा ऑफ नार्वे तो जो मैं, जैसे कि मैंने मैंशन किया था कि तीन दावेदार थे फॉर द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड जिसको उस टाइम ब्रिटेनिया कहा जाता था तो तीसरे वाले का नाम था किंग हैरल्ड हैद्रादा ऑफ नार्वे तो ऐसा हुआ कि इसको अभी वापस देखते हैं किंग जो हैरल्ड थे उन्होंने एक्चुअली इन्वेट कर दिया था ब्रिटेन को फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड और ऐसा दिखाया गया कि जो किंग हैरल्ड गॉडविंसन हैं, जिन्होंने ऑलरेडी ये अपना थ्रोन ले लिया था उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से हराल्ड को हरा दिया ठीक है अब जैसे कि मैंने मेंशन किया हेराल्ड गॉडविंसन जो है वो एक एंग्लो सैक्सन नॉबल थे एंड इन्होंने एडवर्ड के डेथ के बाद थ्रोन अपने नाम करवा लिया था तो उन्होंने बहुत सारे रिबेलियंस फेस किए और काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहे बिफोर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट अभी आ जाते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का जो की बैटल था जो लड़ा गया था थाउजेंड सिक्सटी सिक्स में एंड द नेम ऑफ द बैटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसको आपको याद रखना है एंड द नेम ऑफ द बैटल इज द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स नाउ विलियम एंड इज नॉर्मन आर्मी इन्वेडेड नाउ दिस पर्टिकुलर पिक्चर को आप इमेजिन करो इस तरीके से कि ब्रिटेन का नॉर्दर्न साइड से इन्वेट किया था आपका किंग हैरल्ड ऑफ नॉर्वे ने और जब उसको मतलब डिफीट कर दिया था किंग हैरल्ड गॉडविंसन ने तब ऐसा हुआ था कि काफ़ी हद तक जो एंग्लो सेक्शन आर्मी था काफ़ी थक चुका था और उसी टाइम पर जब यू नो नॉर्मस ने यू नो फ्रॉम द नीचे से हमला कर दिया ब्रिटेन के मतलब नीचे से जैसे कि हम लोग साउदर्न साइड से उन लोगों ने हमला कर दिया तब क्या हुआ उसी एंग्लो सेक्सन आर्मी को नॉर्दर्न साइड से डिप्लॉय करना पड़ा टू द साउदर्न साइड तो एक तो बेसिक रीजन ये था हारने का कि एंग्लो आर्मी बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बैटल वो लोग ऑलरेडी एक बैटल लड़ चुके थे अगेंस्ट नॉर्वे और अभी साइमल्टेनियसली उसी साल उन लोगों को और एक बैटल लड़ना था फ्रॉम द नॉर्मस जो कि जाने जाते थे बिकॉज ऑफ देयर ब्रूटल फाइट ओके अभी ये जो नॉर्मन नाइट्स से क्रश द एंग्लो एंड किल्ड किंग हैरल्ड तो इसी बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में क्या होता है किंग हैरल गॉडविंसन जो है जो कि किंग एडवर्ड के बाद राजा बन गए थे उन लोग को उनको मार दिया जाता है और ड्यूक विलियम बिकेम द फॉर्मल किंग विलियम द कॉन्कुरर ऑफ इंग्लैंड तो इसी लड़ाई के बाद किंग विलियम को जो पहले ड्यूक विलियम थे उनको एक किताब दिया जाता है कि द कॉन्कुरर ऑफ इंग्लैंड चलिए आप जानते हैं कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बाद जो 1066 में लड़ा गया था जिसके बाद विलियम द कॉन्क्र को ब्रिटेन का राजा बना दिया गया था ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस उसके बाद क्या सारे सोशियो इकोनॉमिक इवेंट्स हुए इंग्लैंड में थोड़ा बहुत जान लेते हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव सो द नॉर्मल सेट अप ए सेंट्रलाइज फ्यूडल सिस्टम इन इंग्लैंड द किंग वॉज इन चार्ज हिस् नोबल्स ओड देयर पोजिशंस टू हिम अब यहाँ पे ये बात आपको जानना है कि विलियम जो थे वो ज़्यादातर अपना जो पीरियड था जब तक वो जिंदा रहे वो इंग्लैंड में नहीं रहे वो वापस नॉर्मैल्टी चले गए थे लेकिन उनका जो यू you नो know, एक लॉ सिस्टम था जो उन्होंने बिठा के गए थे इंग्लैंड में वहाँ पे वो सारे ट्रस्टवर्दी लोग थे जिन्होंने उनके साथ बैटल ऑफ हस्ट हेस्टिंग में लड़ाई किया था या उनके दूसरे ट्रस्टवर्दी लोग सो द लॉर्ड्स हैड टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू द किंग ठीक है तो यहाँ पे हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इंग्लैंड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1066 टू

अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो इस पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेंच दैट चेंज द इंग्लिश लैंग्वेज अब जैसे कि मैंने बताया था कि द नॉर्मस वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंसड बाय द फ्रेंच और उन्होंने अपना जो नेटिव लैंग्वेज है नॉर्थ लैंग्वेज वो कब का एबान्डन कर दिया था एंड दे एडाप्टेड एक्चुअली जो लैंग्वेज उन्होंने अडाप्ट किया था दैट वॉज कॉल्ड एस नॉर्मन फ्रेंच ओके तो फ्रेंच का जो था वो बहुत ज़्यादा दबदबा था ब्रिटेन के कोर्ट में और यह चीज़ आप इस चीज़ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपने शायद ब्यूल्फ़ का मैंने एक बार मेंशन किया था कि वो उसको पढ़ना एकदम ही पॉसिबल नहीं है जिसको लिखा गया था मिड इंग्लिश पीरियड में ठीक है और आप उसको कंपेयर करके कर देखो द कैंटबरी टेल्स के साथ सो so द लैंग्वेज दैट वॉज यूज इन ब्यूल्फ एंड द कैटेबेरी टेल्स इज वेरी मच डिफरेंट कैंटेबरी टेल्स को लिखा गया था मिड इंग्लैंड डायलैक्ट में जिसको आप पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत आप उसको फिगर आउट कर पाओगे बट इफ आई गिव यू द पीस ऑफ ब्यूल्फ एज यू कैन सी इन द स्क्रीन यू कैन हार्डली अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड दैट इज बिकॉज बिकॉज ऑफ़ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट सो अब आपको ये पता चल रहा होगा कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का इंग्लिश लिटरेचर में कितना बड़ा रोल रहा था कितना बड़ा इन्फ्लुएंस रहा था इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा आयनी है कि मतलब इंग्लैंड जो कि जाना जाता है एज द यू नो कीपर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पर इंग्लिश को एक बहुत ही सेकेंड कैटेगरी लैंग्वेज की तरह देखा जाता था इन द बिगिनिंग ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफकोर्स और फ्रेंच जो लैंग्वेज था वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट था और राइट right. Now, here we can see the conflict of English and French. the Norman kings of England had control over Normandy and other territories in France. Now they also gained even more when King Henry II married Eleanor of Aquitaine in 1152. Now, here's some information relevant from this uh, session point of view, but still aap thoda about Chan lo the English owned almost half of France. Most of the rest was controlled by powerful nobles, not the French kings. नाउ इस ये बात मैंने आपको इसलिए बोला था क्योंकि मतलब जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो गया था तब क्या हुआ था कि ब्रिटिश पे जो ब्रिटेन है उस पर एक्चुअल कंट्रोल हो गया था ऑफ द वाइकिंग्स दे देवर नोन एज नॉर्मल्स एंड वहाँ पे फ्रेंच का इम्प्लीमेंटेशन किया गया और बहुत सारे चेंजेस किया गया सोशो पॉलिटिकली जिसने मतलब इंग्लैंड का फ्यूचर चेंज करके रख दिया बट ये बात भी देखने लायक है कि द नॉर्मल्स ऑल्सो हैड कंट्रोल ओवर फ्रेंच ओवर लार्ज टेरेटरीज ऑफ फ्रांस और यही रीजन बना कि इंग्लैंड और फ्रांस नेक्स्ट सेवन हंड्रेड इयर्स तक सो दिस इज द वीडियो गाइज आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ थाउजेंड सिक्स इन द सिंपलेस्ट वर्ड्स पॉसिबल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया डू कंसिडर टू हिट द लाइक बटन सो दैट वी कैन रीच ए वाइडर ऑडियंस एंड आल्सो डू कंसिडर टू जॉइन आवर सोशल कम्युनिटी पेजेस दैट इज़ आवर फेसबुक पेज एंड आर फेसबुक ग्रुप एंड वेरी सून विल भी कमिंग अप विद सम गुड न्यूज़ दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू इन द कम्युनिटी टैब ऑफ कॉर्स टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम गॉड ब्लेस यू एन थैंक यू ऑल